बादशाहपुर विधानसभा सीट का सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आपको बता दें, सबसे पहले तो इस सीट पर यह कहना बड़ा मुश्किल हो गया था कि असल में सीट पर कौन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा तो कौन भाजपा की तरफ से उम्मीदवार होगा। भाजपा की तरफ से लगातार देरी होते हुए राव नरवीर ने एक समय पर आकर यह कह दिया, चुनाव तो मैं लड़ूंगा चाहे फिर वह कांग्रेस से हो। जिसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। यह तो पूरी सिलसिलेवार कहानी थी, लेकिन अब आपको बता दें इसी बीच सियासी हवा क्यों तेज हुई। कुमुदनी राकेश दौलतावाद ने अब ऐसा ऐलान कर दिया है कि वो चाहती हैं कि राव नरवीर पूर्व मंत्री सभी जनता के बीच में उतरें, सामने आकर लोगों से डिबेट करें, उनसे डिबेट करें और लोगों को ये बताएं कि असल में उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं और कुमुदनी राकेश दौलतावाद ने क्या अच्छे काम किए हैं। यानी स्वर्गीय राकेश दौलतावाद अब जनता के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ काम किए, उनकी क्या कार्यनीति थी, उसको लेकर पूरी तरीके से उन्होंने पूर्व मंत्री राव नरवीर को चेतावनी दे दी है कि वे खुले मंच में आए। मैं लोगों से इसी विषय पर बात करूंगा कि असल में उन लोगों को क्या लगता है, आम जनता को क्या लगता है। जी, क्या लगता है, जिस तरीके से कुमुदनी राकेश दौलतावाद ने कहा है, चेतावनी दी है कि खुले मंच पर आओ, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कुमुदनी राकेश दौलतावाद ने जो बोला है खुले मंच पे आए, हम एक कॉलोनी निवासी हैं जी। सबसे बड़ा मुद्दा, हम एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, हम सेक्टर में प्लॉट नहीं ले सकते, हम कॉलोनी में प्लॉट लेके बैठे हैं। ठीक है जी, 2014 में जब कैबिनेट मंत्री ये बनाए गए राव नरवीर जी जी, उस टाइम हमारी कॉलोनी के मौजूद आदमी उनके पास गए, नेताजी के पास, उनसे एक रिक्वेस्ट करी, अब जी हमारी कॉलोनी में सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है जी, ठीक है, और क्या नाम है, गलियों की समस्या है, अनअप्रूव्ड की समस्या है जी। तो राव नरवीर जी ने, मंत्री साहब ने जनता को ये बोला था, क्या तुमने मेरे से पूछ के प्लॉट खरीदा था कॉलोनी के अंदर? तो मतलब उसके अंदर एक मैं और घमंड वाली बात थी, ठीक है। और इस मुद्दे को राज्यसभा में विधायक जी ने उठाया, राकेश दौलतावाद ने कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुना, उनके वार्ड की समस्याओं को सुना, पूरे हलके की समस्याओं को सुना और कॉलोनियों को अप्रूव कराने में सबसे बड़ा सहयोग हमारे जो कॉलोनी की जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी वो राकेश दौलतावाद ने लड़ी थी। तो मेरी तो यही राय है कि अगर राव नरवीर आते हैं डिबेट में तो उनको आना चाहिए और वो अपना जवाब देंगे 5 साल का, और कुमुदनी राकेश दौलतावाद अपना जवाब देंगे। कुमुदनी ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। हाँ, तो जनता बताएगी ना इस बात को, तो जनता कह रही है इस बात को, तो भी क्या काम राव नरवीर ने, जो कैबिनेट मंत्री सरकार में बैठा था, ये एक निर्दलीय विधायक था, फिर भी इसने जो काम कॉलोनी वासियों के लिए जो करना चाहिए था वो किया इन्होंने, और आवाज उठाई इसने पार्लियामेंट वहां पे राज्यसभा में। अब तो भाई साहब कुमुदनी राकेश दौलतावाद ने ऐलान कर दिया है कि चेतावनी देते हुए कहा है कि राव नरवीर खुले मंच पर आए और जो उन्होंने अपने दौरान अपने काम किए थे वो बताएं, और नहीं तो अगर वो हारती हैं तो वो ये कहती हैं कि आप वोट राव नरवीर को दीजिए। क्या लगता है आपको, जब उन्होंने चुनौती दे दी तो राव नरवीर जी ने क्या दिक्कत है, उसकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। चुनौती स्वीकार करनी चाहिए लगता है आपको? करनी चाहिए। अब वो नहीं करे तो उसका तो जनता क्या कर सके, अगर उसने काम कराए हैं तो वो सामने आके चुनौती स्वीकार करनी चाहिए उसकी। और रही हमारी कॉलोनी का काम राकेश ने ही करवाया हमारा, तो क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत थी इसमें, हमने भी खूब घूम कर, मैं RW का प्रधान हूँ हरिओम जी, हमने समस्या हमने देखी है, ना कि नरवीर जी ने समस्या देखी है। वो 5 साल अगर हम चलो मान लेते हैं उसने काम कर, तो आप 5 साल ये बोल दे कि भाई राकेश ने काम नहीं करवाया, तो वो 5 साल कहाँ गए हुए थे? उसने अब जब वोट की जरूरत पड़ी है तो अब वो घूमने लग गया गली गलियों में, तब से वो 5 साल तक कहाँ थे? वो 5 साल तक अपनी कोठी में बैठे रहे, इंतजार करेंगे वोट का टाइम आएगा, वोट लेनी है जब पब्लिक को पागल बनाओ और वोट ले जाओ। राकेश के पास हम जाते थे, मैं खुद कॉलोनी वासियों को लेके जाता था, बड़ी इज्जत थी, काम भी करवाए उसने। और नरवीर के पास तो मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है, जो अड़ोस पड़ोस गांव है ये बोल रहे हैं कि भी हम नरवीर ने कभी निकल के ही बाहर नहीं आए वो कोठी से, अगर अंदर बैठे हैं बूझ ली जनता ने कि भाई मंत्री जी मिलने आए हैं, तो उनके बंदे ये बोल रहे मंत्री जी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो हमें तो देखो इससे बढ़िया राकेश बहुत अच्छा काम लगा, बढ़िया नेता था बेचारा, हम तो बड़ा दुख महसूस कर रहे हैं आज भी
और हम ये चाह रहे हैं कि भी उनको एक मौका और दिया। हरिओम जी, डिबेट होगी तो ऐसा लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, क्योंकि नरबीर नहीं आएगा डिबेट करने के लिए, ऐसा लगता है। यस, उसको काम ही नहीं है कराए तो फिर वो क्यों आएगा? जनता क्या नहीं देख रही? वो तो कह रहे हैं कि मंत्री रहता ना तो काम किया था मैंने। नहीं, काम करे हैं तो फिर सामने आके डिबेट करो उससे। मैंने काम कराए हैं, अब मैंने कॉलोनी का काम कराया है तो मेरे से डिबेट करो, मैं बताऊंगा भाई मैंने ये काम करवाए, ये काम करवाए। चुनौती स्वीकार करो उसको। आप मानते हैं चुनौती स्वीकार करनी चाहिए? करनी चाहिए, खुले मंच पे आना चाहिए। अगर उसने काम कराए तो आओ, अगर वो नहीं करते हैं तो उसने काम कराए नहीं। देखो ये तो जनता पूरी जानती है इस बात को, मैंने काम कराए हैं तो मेरे को कोई चुनौती देगा कि भाई तने क्या काम कराए तो मैं बताऊंगा काम, भाई मैंने ये काम कराए हैं, मैंने ये किया है। तो राव नरबीर जी ने चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, स्टेज पे आके और डिबेट करनी चाहिए। चलिए मैं और लोगों से बात करूंगा, आपसे पूछूं, कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने कार्यनीति पर राकेश दौलताबाद की यह कहा है भरोसा जताते हुए कि राव नरवीर को चुनावी मैदान में आकर डिबेट करनी चाहिए, उस डिबेट को स्वीकार करना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया, मैंने क्या काम किया। बिल्कुल, वो तो ऐसा है कि सामने जब दोनों बोलेंगे तो जनता आप ही पहचान जाएगी कि भाई कौन से ने काम किया है कौन से, और जनता भी चाहती है कि भाई हमें जो है ये दिखाई दे भाई किसने क्या किया है। देखो हमारे सामने तो जो राकेश भाई आज स्वर्ग में है हम नरक में है, उस जैसा नेता हमें मिलना मुश्किल है। मैं तो एक ही कहता हूँ, बस ऐसे नेता थे। ये नहीं कि अपने हल्के से, अगर कहीं से हमने देखा है वहां हम बैठते थे, कहीं से भी अगर पटौदी हल्के से आ गया या बादली हल्के से आ गया, रोहतक हल्के से आ गया, उस आदमी की भी उसने सुनाई करी और उसका काम करने की पूरी पूरी कोशिश करी। पूर्व मंत्री राव नरवीर भी ऐसा ही कहते हैं कि उन्होंने अपने समय पर खूब काम किए जनता के। अगर समय पर उन्होंने भी काम किया है, इन्होंने भी किया है, तो ये डिवाइड करने में कोई वो नहीं है, अपना करे तो डिबेट करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लगता है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखो वो तो फिर जनता ही बता देगी, जनता बताएगी, स्थिति साफ हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल एकदम से साफ होगी। आपको लगता है? बिल्कुल। आपसे बात करूं मैं, क्या लगता है डिबेट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। और दौलताबाद जो राकेश भाई ने बहुत काम करे हैं, मैं झज्जर से हूँ, हमारे केसों की भी सुनी है, ऐसी बात नहीं है कि बाहर के से हल्का से बाहर की नहीं सुनी, उनकी भी सुनी है, उनके बाहर के लोगों की सुनते थे हैं, बाहर के लोगों की भी सुनते सुनी है। मैं जब बता रहा झज्जर से बेरी हल्का से हूँ, एक सरपंच, उसके बाद भी सुनवाई है, हमारी भी सुनी है, हम भी गए हैं तो हमारी भी सुनी है, ऐसी बात नहीं है कि हल्का हल्का की सुनी, बाहर के भी बंदों की सुनी है, उनके भी काम किए। आप ये आपने बातचीत तो सरसिंग क्लियर की भी है? हाँ जी, यहाँ भी घर है आपका? यहाँ भी जो भी काम करवाए तकरीबन उसी ने करवाए है, अपनी जेब से भी गली बनवाई है और सीवर की समस्या सबकी सुनी है। तो राकेश, ये जनता क्या राकेश को डिबेट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, राकेश को वोट मिलनी चाहिए, उसको काम जनता ने देखना चाहिए कौन खड़ा पाया दुख में दर्द में, इसमें कॉलोनियों में भी सेक्टरों में भी जो गांव में भी, तो जनता ने भरोसा है कि भाई ये जो कुमंदनी है ये उसके जो अधूरे काम है उनको भी पूरा करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। ये राव नरवीर एक बात और कहते हैं कि मैं जनता के दुख सुख में गया और राकेश दौलताबाद कभी नहीं गए। वो तो जनता बताएगी ना, वो तो कहेगी सटेज के ऊपर तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन जनता दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जनता बताएगी, जनता देगी फैसला कौन खड़ा रहा है कौन नहीं रहा है। मंत्री भी बने हैं और वो कुछ भी बने हैं, वो अपने तो सभी प्रचार करेंगे, अपने तो सभी सराहना करेंगे, लेकिन जो जनता बताएगी ना उसका तो भाई कौन खड़ा रहा है, वोटों बताएगी जनता, बोलने से क्या, कोई कुछ भी बोलो। देखिए वोट देकर जनता बताएगी। आपसे पूछूं, क्या लगता है इस बार कि डिबेट का जो घोषणा की है या ऐलान किया है या चेतावनी दी है, क्या लगता है चेतावनी को स्वीकार करना चाहिए? मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि डिबेट तो होनी चाहिए, जिसने विकास किया है जी वो खुले मंच पर आकर अपनी बहस करेगा, क्लियर बात हो जाएगी, डिबेट होनी चाहिए, डिबेट में कोई दिक्कत नहीं, आम जनता को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पता लग जाए किसने विकास किया किसने विकास नहीं किया, डिबेट होनी चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ। तस्वीर साफ होगी, बिल्कुल इतना ही, दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। आप देख रहे हैं लोगों में किस तरीके से कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए स्वीकार करना चाहिए इस चैलेंज को और आना चाहिए राव नरवीर को चुनावी मैदान में, जिस तरीके से वो ताल ठोकते नजर आते हैं संबोधन करते करने के दौरान, इस तरीके से उनको डिबेट के लिए भी आना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखो सर, लोक निर्माण मंत्री नरवीर सिंह जी
वो कहता था कि मैंने हरियाणा के अंदर नोटों का मुंह खोल रखा, विकास का मुंह खोल रखा, मगर धरातल के ऊपर मुझे आज तक कहीं विकास नजर नहीं आया बीजेपी के शासनकाल में। इन ढाई साल के अंदर पहले तो एक निर्दलीय विधायक हल्के का और बीजेपी की सरकार जी, निर्दलीय विधायक के पास तो कुछ नहीं था, वो तो अपनी जेब से काम करवा रहा है। बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी के लोग वैसे ही उनको भाव नहीं दे रहे थे, वो बिल्कुल अलग थे। जिसका शासन में अगर त्रुटि होती, अगर बीजेपी के पास सीटें कम थी, बीजेपी अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो शायद विधायक के पास पावर होती, जैसे कभी गोपाल कांडा गृह मंत्री बना हरियाणा राज्य का। निर्दलीय विधायक के पास जब पावर आएगी तो विकास की दूरी बनेगा वो, मगर लोक निर्माण मंत्री कहता है कि मैंने विकास किया। अगर विकास किया तो डिबेट करने में क्या दिक्कत। ये कहती है अगर मैंने ढाई साल में राकेश दौलताबाद ने कुछ काम किए, राव नरवीर कहता है कि मैंने कुछ काम किए, तो सामने आ जाओ, लोक निर्माण मंत्री भी आ जाएगा उधर से। राकेश दौलताबाद जी तो रहे नहीं संसार में जी, वो तो पंचतत्व में विलीन हो गए जी। हमें भी बड़ा दुख उस आदमी का, मगर कुमदनी राकेश दौलताबाद उनको खुली चुनौती दे रही है तो उनको स्वीकार करना चाहिए और उनको आना चाहिए। आगे मैं लोक निर्माण मंत्री होकर पांच साल ये काम किया, जैसे आज लोग कहते हैं दस साल का शासनकाल मांग रही है बीजेपी कांग्रेस से। कांग्रेस तू दस साल का पहले इलेक्शन लड़ रहा है, तू दे दे दस साल का हिसाब है। ये जनता को बेवकूफ बनाने लग रहे, कांग्रेस के ऊपर भांडा फोड़ रहे, विकास किया नहीं लोगों ने तो बोलेगा कौन है। जनता जनार्दन से मेरी एक अपील है, आज इनके बाहर करो इनको इस मैदान से। तो मैं ये कहता हूँ अगर जनता का भला चाहता है कोई तो खुले मंच पे डिबेट करनी चाहिए। अगर न जनता को गुमराह कर वोट लेकर जाना है तो कदे और कदे जाओ, कोई मतलब नहीं उनका। राकेश दौलताबाद के पास पावर कहाँ थी, जेजेपी ने पावर खोस रखी थी क्योंकि बीजेपी के पास 40 MLA थे, 10 MLA जेजेपी के आगे, 8 निर्दलियों को कोई भाव नहीं दे रहा था, कोई ग्रांट नहीं दे रहा था। निर्दलियों ने तो अपनी जेब से अपने कोष से पैसे लगा के विकास कार्य किया। दूध पानी का पानी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आगे डिबेट के लिए मैं तो नहीं कहता हूँ कि देवला स्टेडियम में स्क्रीन लगा दिया जाए, दोनों की डिबेट होनी चाहिए। लोक निर्माण मंत्री कहता कि मैंने काम किया, राकेश दौलताबाद रहे नहीं हमारे बीच में, उनकी वाइफ को मतलब राकेश दौलताबाद कहती है आगे मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, तो नरवीर जी आएंगे और डिबेट करेंगे लोक निर्माण मंत्री। तो इसी के साथ धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से आम जनता में अब आवाज उठने लगी है, कहने लगे हैं बादशाहपुर हल्के से लोग आकर कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव के बीच में जाना है, आम जनता को कुछ दिखाना है तो खुले मंच पर आइए। यहां तक लोगों ने कह दिया है कि देवीलाल स्टेडियम पर बड़ी सी स्क्रीन लगाकर ये लोगों को साफ स्थिति दिखा दी जाए और लोगों को बता दिया जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में देखते हैं कि क्या राव नरवीर पूर्व मंत्री आम जनता के बीच में उतरकर इस डिबेट को पूरा करते हैं, कुमुदनी राकेश दौलताबाद के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, या तो आने वाले